दोस्तों क्या आपका भी फ्री फायर रिस्टार्ट हो जाता है? क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि हमारा फ्री फायर है रिस्टार्ट हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रियलमी C11 फ़ोन में हो जाता है या रियलमी के किसी डिवाइस में होता है, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको रियलमी C11 में बता रहा हूँ, तो C11 में आपका जो रिस्टार्ट प्रॉब्लम है फ्री फायर का, वो किस तरीके से सही होगा, तो इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बिल्कुल भी मत कहना कि भैया नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी आप ये सही कर पाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बिल्कुल अच्छी वीडियो है आपके लिए। मैंने काफ़ी कमेंट आई थी इसलिए हमने ये वीडियो को हमने शूट किया और आपके लिए बना दिया। तो दोस्तों चलिए बताते हैं आपको किस तरीके से आप रिस्टार्ट प्रॉब्लम को, किस तरीके से फ्री फायर की रिस्टार्ट प्रॉब्लम को रियलमी C11 में फिक्स कर सकते हो बिल्कुल ईजिली तरीके से और सिंपल तरीके से। दोस्तों मैं हूँ इस चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको दोस्तों यहां पे कुछ स्टेप आपको बताऊंगा, वो आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक फोल्डर आपके C11 में या किसी स्मार्टफोन में आपका होगा फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर पे आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे यहाँ पे इस तरीके से आपकी फाइल मैनेजर खुल के आएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे फोन स्टोरेज आपका मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा फोन स्टोरेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फोन स्टोरेज है 7.45 GB, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये फ्री है और इस टोटल इतना है और इतना इस तरीके से आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ जाओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा फोन स्टोरेज, ठीक है, ऊपर की तरफ, बस आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एप्स मिलेगा, एप्स पे क्लिक करना है, एप्स पे क्लिक करोगे इस तरीके से। अब यहां पे आपको क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, बेसिकली आप जो भी एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते हैं उस एप्लीकेशन का आपको क्लियर चेस करना है। जैसे क्रोम पे हमने टैप किया, यहाँ पे आपको क्लियर चेस करना है, नीचे क्लियर चेस, ठीक। गूगल प्ले सर्विस, यहाँ पे क्लियर चेस कर दिया हमने, यहाँ पे हमने गूगल को भी चेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम YouTube भी बहुत यूज करते हैं, ठीक है, YouTube पे हमने क्लिक किया तो हमने YouTube पर भी क्लिक कर दिया क्लियर चेस। तो दोस्तों इस तरीके से मैसेंजर भी यूज करते हैं, तो इस तरीके आप जो भी एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते हैं वो सबसे पहले करने, उसके बाद दोस्तों ऊपर से नीचे तक आपको सभी करना होगा, ठीक है, सभी। तो दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी देखो बिल्कुल लाइव दोस्तों आप देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ तो 7.45 था लेकिन अब 7.73 GB इस तरीके से स्टोरेज खाली हो गया, ठीक है। सबसे पहले ये करना है, अब फालतू के जो भी यहाँ फोन स्टोरेज पे क्लिक करके जितने फालतू के फोल्डर होंगे वो आपको हटा देने होंगे। अब एंड्रॉयड फोल्डर में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि इसमें आपकी OBB फाइल रहती है, ठीक है, OBB फाइल आपकी इसके अंदर रहती है, इसलिए ये सब करोगे उसके बाद आपको बाहर निकलना है। अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में, मोबाइल की सेटिंग में जाओगे नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अबाउट फोन, ठीक है, इस पर आपको टैप करना है, टैप करोगे ऊपर मिलेगा वर्जन, ठीक है, ऊपर वर्जन वेस्टमेंट कर्नल तरीके से उस पर आपको टैप करना है। बिल्ड नंबर पे आपको 4 से 5 बार टैप करके आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन होगा, वो आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में जाओगे आपको नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, उस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप उस पर टैप करोगे इस तरीके से ये देखो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कौन से ऑप्शन आपको चालू रखने, कौन से बंद रखने, वो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखो मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिवेट, ये ऑन हो सकता है, इसे आपको बंद करना है, ठीक है, इसे आपको बंद करना है। अब नीचे की तरफ चलते चले जाना है, ठीक है, नीचे की तरफ आओगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, और भी बहुत अच्छे अपडेट है, और भी क्या करना है, टिप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो इस तरीके से एनिमेटेड यहाँ पे आएगा, ठीक है, उस पर आपको टैप करके यहाँ पे आपको ये एनिमेशन है यहाँ पे 0.5x इस तरीके से यहाँ पे कर लेना है, ठीक है, जैसे कि ये देखो सेम नजर आ रहा है, तीनों में आपको कर लेना है। अब नीचे की तरफ आओगे इस तरीके से, नीचे की तरफ चलते आओगे इस तरीके से, यहाँ पे ये देखो डोंट कीप एक्टिविटीज, ठीक है, इस पर आपको ये आपका ऑन होगा, इसे आपको बंद करना है, ठीक, ये आपका बंद करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ बैकग्राउंड प्रोसेसिंग लिमिट, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड लिमिट पे क्लिक करके इस तरीके से करना होगा। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे आपको अब कुछ नहीं करना, ठीक, यहाँ पे बैक लौट गए आप। बैक लौटने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है वो आपको अच्छे समझना है। अब यहाँ पे आपको सिंपल से बाहर निकलना है, ठीक, यहाँ से बाहर निकलोगे। अब यहाँ पे जितने फालतू के एप्लीकेशन है डिलीट कर दो,
जितनी फालतू की जो भी ऐप यूज़ करते हो वही रखना है आपको, ठीक है, वही आपको रखना है बस, और नहीं रखना है, ठीक। तो ये सब करने के बाद आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करके ऑन करोगे, आपका जो रियलमी C11 में जो भी फ्री फायर की प्रॉब्लम हो रही है, रिस्टार्ट प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगी। बैकग्राउंड में कोई भी आपको ऐप या डाटा, यहाँ पे आपका कोई भी ऐप बैकग्राउंड में नहीं चल रहा हो जब आप फ्री फायर यूज़ करें तब, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, उस फ़ोन के अंदर यानी रियलमी C11 के अंदर 2GB रोम इस तरीके से, 3GB रैम इस तरीके से आपको मिलती है, 16 वहाँ पर मिलती है, ठीक है, 32GB सॉरी मिलती है वहाँ पे। इसलिए दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, आपको कोई अलग स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, इसे बेच दो, ये फ़ोन अच्छा नहीं है, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, नॉलेजेबल वीडियो रही होगी। दोस्तों मैं जो स्टेप आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो कर लिए होंगे, ये स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपके रियलमी C11 में फ्री फायर की रिस्टार्ट प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई होगी। और आप प्रॉब्लम आ भी रही है तो दोस्तों थोड़े बहुत दिन तक आप प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, यहाँ पर अपडेट आ रहे हैं, अपडेट आ जाएंगे तो दोस्तों छोटे मोटे गेम आप इसमें खेल सकते हो, गेमिंग फ़ोन नहीं है। पहले भी रियलमी ने ये साफ कह दिया गेमिंग फ़ोन नहीं है, इसमें जो इशू दिख रहे हैं वो गेमिंग फ़ोन नहीं है, इसलिए इशू आ रहे हैं। तो दोस्तों आसानी से जो भी मैंने ट्रिक बताई वो अप्लाई करके आप यूज़ कर पाए होंगे। अगर दोस्तों फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही तो नया स्मार्टफोन खरीदिए, ये स्मार्टफोन हटा दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नई वीडियो लेके आपके लिए, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।